नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि सोमवार से उत्तराखंड में विशेष सत्र का आगाज होने जा रहा है, जिससे पहले रविवार को कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सत्र को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई और रूपरेखा भी तैयार की गई। आपको बता दें कि सत्र के दौरान मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। वहीं लक्सर विधायक मोहम्मद शाहनवाज ने यूसीसी को पूरी तरीके से धर्म विरोधी बताया है, तो इस सत्र में कानून का विरोध करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने यूसीसी ड्राफ्ट को विपक्ष को उपलब्ध कराने और इसका अध्ययन करने का वक्त देने की बात कही है। कार्य मंत्रालय की बैठक हुई और उसमें जो बात कही गई कि यूसीसी को लेकर के ये सत्र आहूत किया गया है। अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो 6 तारीख को विधानसभा में ले होगा और उसके बाद 7 और 8 उस पर चर्चा हो। सर, ऐसा नहीं लगता कि पहले विपक्ष को वो यूसीसी का ड्राफ्ट देना चाहिए था, उसे अध्ययन करते नहीं? देखिए, जो परंपराएं होती है, जब कोई भी जो यूसीसी का मसौदा है उसको पहले विधानसभा पटल पर ले किया जाएगा, और जब विधानसभा पटल पर ले होता है तभी जो है विधायकों को मिल पाता है, ये तो परंपराएं रही। देखिए, आज कार्य मंत्रालय समिति की बैठक हुई है, जिसमें यूसीसी को लेकर विशेष सत्र बुलाने के संबंध में सरकार द्वारा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपने पक्ष रखा गया और हमने कहा कि इसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इसको सदन में पटल में रखे जाने के पश्चात पर्याप्त समय माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए, जिससे कि वो उसका अध्ययन कर सकें और फिर चर्चा में भाग ले सकें। और कल का दिन हमारे माननीय विधायक और पूर्व विधायक का देहावसान हुआ है, कल कंडोलेंस होगी, उसके बाद हाउस एडजर्न हो जाएगा। आप लोग जैसे जानते हैं कल से सत्र शुरू होने जा रहा है, तो हमने इस बात पर चर्चा की कल से जो सत्र चालू होगा उसमें हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करें और अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों का जो भी आप लोगों को सत्र में रखना है उसकी बात हो। और कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई है वो केवल कल तक के लिए 5 तारीख के लिए हुई है और इसमें कल आप जानते हैं कि हमारे सिटिंग MLA की डेथ हुई है, उसके अलावा और भी हमारे XMLAs हैं, तो कल कंडोलेंसेस का दिन रहेगा, कल निधन के जो हैं उसी पर हम लोग कार्यवाही करके उसके बाद हमारी जो सदन है। सोमवार से होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि सत्र के पहले दिन विधानसभा की परंपरा के अनुसार दिवंगत नेताओं के लिए शोक सभा आयोजित की जाएगी। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक विधानसभा सत्र के दौरान उठाए गए प्रश्नों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र से अध्यक्ष की ओर से उनको संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाता है और इस बार के विधानसभा सत्र में वो हल्द्वानी में अतिक्रमण नजूल में भूमि के नाम पर प्रशासन की कार्रवाई सहित रोजगार और अंकिता भंडारी की हत्या के मुद्दे को सदन में पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे। सत्र 5 तारीख को आहूत हुआ है, उस दिन शोक वो एक परंपरा रही है, उस दिन शोक मनाया जाएगा। जो भी वर्तमान या निवर्तमान सदस्य रहे हैं या पूर्व माननीय सदस्य रहे हैं सदन के, जो नहीं रहे दुनिया में, उनको उनका शोक श्रद्धांजलि उस दिन अर्पित करी जाती है। उसके बाद मंगल और बुध का ही दिन है आपके पास, क्योंकि 5, 6, 7 का अभी तक आया है कि सत्र आहूत होगा, तो 2 दिन में आप कितने प्रश्न पूछ लेंगे? 70 विधायक हैं, उसमें से 47 तो सत्ता पक्ष के हैं, बाकी विपक्ष के हैं। कितने प्रश्न हम लगा सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए कितनी बातें हो सकती है? प्रश्नकाल में ही आपको मंत्रियों की जो कार्यप्रणाली है वो साफ प्रतीत हो जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में पल्टन बाजार स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम सेवा संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लाया जाने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून संविधान के विरुद्ध है,
क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अपने धर्म पर आजादी से आजाद चलने की आजादी है। मुफ्ती रईस ने कहा कि सबसे पहले केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करना चाहिए, जिसके बाद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है, वरना दो कानून आपस में टकराएंगे। आगे मुफ्ती ने कहा, जो कानून समस्त धर्मों के लिए है उसमें सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व न होना इस कानून को संदेह पूरक बनाता है। हमने बहुत दिन पहले से यूसीसी के कमेटी के लोगों को यह खबर पहुंचाई थी कि आप इसमें मजहबों के माहिरीन को ले लीजिए, उन्होंने इस पर कान नहीं धरा और अपनी मनमानी कमेटी से मनमानी रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर ली, जो मुसलमानों के और एक बहुत बड़ी अकलियत के खिलाफ जाती है। हमें सूत्रों से मालूम हुआ है, अखबार से आप हजरात से मालूम हुआ है कि इन्होंने जातियां जनजातियां कुछ पहाड़ की सभ्यताएं और कुछ बिरादरियों को इससे बाहर कर दिया, क्यों? और इसमें खास तौर पर जो है मुसलमानों का निकाह सानी तलाक हलाला ये सब चीजें ले ली गई हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे सरकार जो है एक खास तबके को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ी अकलियत का खून करना चाहती है और उनको यहाँ मुल्क में दबाना चाहती है, जो संविधान के और गांधी जी के विचारों के खिलाफ जाती है। हम उस जो है कानून का जो है पालन करते हैं और सरकार का हर मामले में साथ देते हैं। अगर ये कुरान के खिलाफ बात जाती है और शरीयत के खिलाफ जाती है और मुसलमानों को लेकर के इक्वालिटी इसमें नहीं पाई जाती है, तो हम इसका सड़कों पर विरोध। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार दौरे पर आए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा लाए जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून की सराहना की। साथ ही लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि अशोक सिंगल, महंत अवैधनाथ और रामचंद्र परमहंस को भी दे दें तो भव्य राम मंदिर में 4 चांद लग जाएगा। में 8 फीट ऊंचे नंदी भगवान, ज्ञान वापी में हर रोज महादेव की पूजा का इंतजार कर रहे हैं। अभी श्रृंगार गौरी की पूजा शुरू हुई है। नंदी भगवान महादेव की पूजा शिवलिंग की अभी शुरू नहीं हुई है, हर रोज हो और पूरा ज्ञान वापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। हमें ज्ञान वापी चाहिए ही। जब तक ये देश में भगवान महादेव के काशी विश्वनाथ का सम्मान नहीं है, तब तक 100 करोड़ हिंदुओं की खाने की थाली में धूल पड़ी है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बजट की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आम गरीब व्यापारी और साथ ही हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। उत्तराखंड में भी जमरानी बांध से लेकर AIMMS के सैटेलाइट सेंटर और कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को योगदान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार का यह बजट पेश के चौमुखी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये जो इस समय अनुपूरक बजट आया है, ये इसने तो कायाकल्प कर दिया है। हर चीजों में अगर आप देखेंगे, कनेक्टिविटी में, एयर कनेक्टिविटी में, कहीं पर भी हो, 5G में हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। और हमारा जो अन्न का भंडार है किस तरह से भरा हुआ है, पेयजल हमने किस तरह से व्यवस्था कर दी है, हेल्थ स्कीम्स हमने कितनी ज़्यादा दे दी है, हेल्थ के सेक्टर में हम कहाँ पहुँच गए हैं, बहुत ऊंचाई हमने छू ली है। ये सर्वग्राही सर्वस्पर्शी बजट जो हम कहते हैं, वो वास्तव में इसने हर जगह पर इस बजट ने लोगों को छुआ है और प्रभावित किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रुड़की से है, जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने रुड़की पहुंचकर बजट को ऐतिहासिक बताते हुए उसके लाभ गिनवाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को 5,000 करोड़ रुपए इस बजट में मिले हैं, जिससे कई क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं का कार्य होगा। साथ ही उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के लिए नाम घोषित किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। वहीं राज्य सरकार द्वारा लाए जा रहे यूसीसी बिल को एक बड़ा कदम बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो पारिवारिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को चिंता नहीं है कि मेरा बेटा अध्यक्ष बने, मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने। एकमात्र लोकतांत्रिक दल है जो 365 दिन 24x7
जिसके बूथ के अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक सब जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको सेवा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अन्य राजनीतिक दल केवल एसी में बैठकर विज्ञप्ति जारी करते हैं और चुनाव के समय दिखाई देते हैं। इसलिए फिर भी हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर जो सेवा से संगठन करते करते हम विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने हैं, उन कार्यकर्ताओं के दम पर हम अपनी एक एक बारीकी के साथ रणनीति बनाते हैं और पहले से अधिक वोट प्राप्त करके हम चुनाव जीतेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू को केंद्र में अहम जिम्मेदारी मिल गई है। दरअसल केंद्र सरकार में लोकपाल के सचिव बनाए गए डॉक्टर एसएस संधू केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि 2.5 साल तक उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रहे हैं एसएस संधू। देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम के अंतर्गत मृतक आश्रितों व परिवहन विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज जो मुख्य सेवक सदन में जो पहली बार आए हैं और जो पहले भी आ चुके हैं, उनका भी यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पधारने पर मैं अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मैं उन 16 बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ जिन्हें परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण दिलाने के उपरांत आज लाइसेंस देकर उन्हें एक तरह से स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रेरित किया गया है, अग्रसर किया गया है, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वो आगे बढ़े हैं। और आज जिन चालकों परिचालकों व सहायक लेखाकारों को जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत से, लगन से आप सब, आपको जो नया ये दायित्व मिला है, उस दायित्वों के कर्तव्यों का निर्वहन करें, क्योंकि सच्ची लगन और कड़ी मेहनत और ध्येय मानकर जीवन का ये आपका ध्येय होना चाहिए कि संकल्प जब होता है उसमें विकल्प नहीं होता है। और ये भी आपका संकल्प है कि आपको अपनी सेवा बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और पहले दिन से देखिए, कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा अपने अनुभव के आधार पर भी बता रहा हूँ। अब आपको सेवा तो मिल गई, जब तक सेवा नहीं मिलती है तब तक हम सोचते हैं सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए। और सेवा मिलने के बाद थोड़ा सा हम कुछ दिनों तक तो रहते हैं अनुशासन में, नया नया अच्छा काम करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर अपने साथ हम अनुशासन नहीं बरतते हैं। अब इसमें एक काम जरूर है, विभाग की जो औपचारिकताएं हैं, विभाग का जो टाइम टेबल है, अनुशासन है, वो सब पर लागू होता है, लेकिन वो एक तरह से विभाग का टाइम टेबल है। आपको अपना टाइम टेबल अपने पर एप्लीकेबल करना है, अपना स्व अनुशासन बनाना है। हम सब देखिए, सूर्य भगवान जब आते हैं, सूर्योदय होता है, तब हमारे सारे काम शुरू होते हैं। मंदिरों में घंटे बजने लगते हैं, गाड़ियां चलने लगती हैं, कारखाने, उद्योग, पूजा पाठ, दिनचर्या, सब काम सूर्य के आने से होते हैं। और जब शाम को सूर्यास्त हो जाता है तो फिर अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा हो जाता है तो कई बार अंधेरे में कुछ उपद्रवी भी आ जाते हैं, गुंडे भी आ जाते हैं, बदमाश भी आ जाते हैं, घंटे भी बंद हो जाते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं, काम भी कम हो जाते हैं, सड़कें भी सुनसान हो जाती हैं। अब सूर्य के आने से सब काम शुरू होते हैं और सूर्य के जाने से सब बंद हो जाते हैं। परिवहन सेवा को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जो हमारे चालक हैं, परिचालक हैं, लेखाकार हैं, सभी का दायित्व तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग दिन रात जो यात्री हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और मुझे बताया गया पिछले दिनों की जो हमारा निगम है वो काफ़ी
वित्तीय संकट से जूझ रहा था और उसके चलते हम लोगों को कई बार जो वेतन देने के लिए भी उसका बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। राज्य सरकार की तरफ से अलग से हमको व्यवस्था करनी पड़ती थी, मंत्रिमंडल में हम जाकर जो है उसकी व्यवस्था करते थे। आदरणीय गणेश जोशी जी कह रहे थे कि हमारे जो आश्रित हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, मृतिका आश्रितों का लाभ नहीं मिल पा रहा था और हम लोगों को भी बड़ा कष्ट होता था। खासतौर से जब मैं टनकपुर जाता था तो बार बार मुझे सब मिल जाते थे और मन में बड़ी दुविधा होती थी। एक दिन हैंकी जी भी थे वहाँ पर, मैंने कहा हैंकी जी इनको अब होना ही चाहिए और हम लोगों ने तय किया कि इनको लाभ दिया जाएगा, इनको आश्रितों को समायोजित किया जाएगा, उनको सेवा में रखा जाएगा। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने सरकार पर निलंबित उद्यान निदेशक एवीएस बवेजा को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उद्यान घोटाले को अंजाम देने के बाद बवेजा अब हिमाचल के लिए रवाना होने के लिए पत्र लिख चुके हैं, सरकार उन्हें रोकने में नाकाम रही है। बवेजा को बचाने के लिए सरकार ने पहले भी सीबीआई जांच रुकवाने का प्रयास किया था, अब उन्हें बिना कार्रवाई कार्यमुक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि बवेजा हिमाचल प्रदेश चले गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें हिमाचल जाने से रोके, इससे मामले की सही जांच हो सके। ट्रप करने वाला ये फैक्ट है और जंगल राज ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में चल रहा है। उद्यान विभाग में एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाला, उस घोटाले का मुख्य आरोपी जो उत्तराखंड को करोड़ों की चपत लगा गया हो, ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सीबीआई जांच जिसके ऊपर चल रही हो, वो कैसे इतनी बड़ी हठधर्मिता दिखा सकता है कि केवल एक सूचना वो मुख्य सचिव को कर गए हैं कि मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। वो किसी विश्वविद्यालय में थे इससे पहले भी, 3 साल के डेप्यूटेशन पे वो उत्तराखंड आए थे। बट मौजू सवाल ये है कि कार्मिक विभाग से लेकर दूसरे विभागों तक उनकी फाइलों का संज्ञान न लिया जाना, उनके ऊपर अभी उनका सस्पेंशन चल रहा था, ऐसे में सीबीआई जांच को बीच में छोड़कर वो कैसे हिमाचल जा सकते हैं? क्या सीबीआई वाले अब हिमाचल उनकी धरपकड़ करने जाएंगे? उत्तराखंड में शूटिंग अभ्यास के लिए खिलाड़ियों को अब जल्द शस्त्र लाइसेंस मिलेगा। दरअसल पिछले दिनों खेल मंत्री रेखा आर्य ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर इसके निर्देश दिए थे। आपको बता दें शूटर्स को शूटिंग करने के लिए गन लाइसेंस की आवश्यकता होती है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ओर से उन्हें समस्या से अवगत कराया गया। केंद्र सरकार की ओर से इस संदर्भ में राज्यों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, अगर जरूरत है तो उनके सर्टिफिकेट का परीक्षण कर लें, उसके उपरांत जल्द खिलाड़ियों को उनका लाइसेंस प्रदान करें। देखिए, जो हमारे शूटर्स हैं स्वाभाविक रूप से उनको शूटिंग करने के लिए गन लाइसेंस की आवश्यकता रहती है, और ऐसे हमारे प्लेयर जो राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जब उनको अभ्यास करने के लिए जब लाइसेंस ही इशू नहीं होगा तो वो अभ्यास क्या करेंगे। तो चूंकि मेरे पास में व्हाट्सएप पर ऐसे कई सारे मैसेज आ रहे थे कि मैडम हम कई समय से हमने अप्लाई किया हुआ है लेकिन संबंधित थाना जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो मुझे बहुत उसकी पीड़ा हुई और उसके बाद से मैंने जो गृह सचिव है उसको भी और जो डीजीपी हैं उनको भी उन दोनों को इंगित करते हुए एक पत्राचार किया है कि इस विषय को हम लोग गंभीरता से लें, क्योंकि संबंधित शूटर को संबंधित प्रतियोगिताओं में जाना होता है, उससे पहले तैयारी करनी होती है और प्रतियोगिता प्रतिभाग करने के लिए गन की आवश्यकता रहती है और वो गन भी बहुत महंगी होती है, तो समय रहते हुए उसकी प्रतियोगिता प्रभावित ना हो, वो वहां से मेडल लेकर आता हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। तो इसमें समय कतई ना लगाएं, भारत सरकार ने भी उसमें छूट दी है, आप बेशक उनके सर्टिफिकेट्स का परीक्षण कर लें, उसके उपरांत में आप शीघ्र कार्रवाई करते उन्हें लाइसेंस जारी करें। इस बात का समर्थन जो है मैंने किया है और मैंने इसके लिए डीजीपी को आवश्यक दिशा निर्देश इस दिशा में देने के लिए भी कहा है। मुझे उम्मीद है कि चूंकि वे इस विभाग में पहले भी काम कर चुके हैं, वो इस समस्या से अवगत हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसमें कोई उचित कार्रवाई करेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है।
जो 8 फरवरी तक चलेगा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर देहरादून पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बार विधानसभा में एंट्री करना आसान नहीं होगा। दिल्ली संसद में असामाजिक तत्वों के घुसने के बाद विधानसभा में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। देहरादून SSP अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विधानसभा सत्र में बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी, फिर चाहे वो कर्मचारी हो या मीडियाकर्मी। SSP ने तमाम क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक करके उनको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए, साथ ही पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग भी की। तारीख से विधानसभा का स्पेशल सेशन आहूत किया गया जो 3 दिन के लिए संभावित है। इसको देखते हुए चूंकि इसमें UCC बिल को लेकर एक चर्चा होने की बात आ रही है, इसमें विधेयक भी पास होने की बात है, इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विधेयक पास होना है और उस पर चर्चा भी होनी है, तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए आउटर इनर कॉर्डन जो हमारा रहता है उसको और सुदृढ़ किया गया है। बाहर से भी इसमें राजपत्रित अधिकारियों के करीब 12 अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इस दौरान जब भी सत्र होता है तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से भी लोग पहुंचते हैं, तो उसको देखते हुए चारों तरफ बैरियर्स लगाकर उस पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट किया गया है, और खासकर इस तरह के लोग जो उनके पास पासेस नहीं है या अंदर जाना चाहते हैं, बिना पास के किसी को भी अनुमति नहीं होगी और सभी की इसमें चेकिंग फ्रिस्किंग के उपरांत ही सबको प्रवेश दिया जाएगा। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय कोरोनेशन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त थर्मल इमेजरी मशीन से महिलाओं के स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग की गई, साथ ही आमजन को नुक्कड़ नाटक व अन्य माध्यमों से कैंसर के लिए जागरूक किया गया। कैंसर डे है और आज यहाँ कोरोनेशन हॉस्पिटल में एक स्पेशल कैंप भी लगाया गया है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, और उसमें एक थर्मल इमेजिंग कैमरा भी मंगाया गया है जिससे कि एक हमारी बहुत ही एक्यूरेटली स्क्रीनिंग हो जाती है और उसके बाद फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं। और आज कैंसर जागरूकता को और ज़्यादा फैलाने के लिए यहाँ पे आज नुक्कड़ नाटक और इस तरीके के प्रोग्राम भी अरेंज किए जा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी हम लोग और ज़्यादा इसको वृहद स्तर पर इस स्क्रीनिंग कैंप्स का आयोजन करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके। खबर पौड़ी के गुआड़ गांव से है जहां आंगन में खेल रहे 11 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला कर बुरी तरीके से उन्हें घायल कर दिया। उसे आनन फानन में परिजन और ग्रामीण बच्चे को बेस अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से जहां मासूम की माँ का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं गाँव में दहशत के साथ मातम पसरा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने की मांग उठाई है। मेरी चौकी इंचार्ज वो पुलिस बल गया था, इस समय मैं मोर्चरी पे आया हूँ। लाश को मेरे पुलिस कर्मियों द्वारा देखा गया, ये किसी जानवर के द्वारा नाखून से पेट में घाव से आने के कारण आगे मुंह के दांत टूटने से हुई है। ये मृत्यु का कारण केवल विलंब से हॉस्पिटल पहुंचाने का है, और बाकी मौके पे जाके उस सूचना से आप लोगों को अवगत कराऊं। अगली खबर उत्तरकाशी से है जहां मौसम केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान यमुना घाटी में बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। घाटी में सुबह से ही निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है, तो 2,500 से 3,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई में बर्फबारी हो रही है जिससे निचले क्षेत्रों में मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। घाटी के निचले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री तक पहुँच गया है जबकि अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वहीं विकासनगर चकराता में हुई बारिश और बर्फबारी सीजन की दूसरी बर्फबारी को लेकर जहां एक ओर सैलानियों और किसानों के चेहरों पर खुशी है, तो बर्फबारी के चलते लोगों के कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, यहाँ तक कि बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुँच रहे सैलानियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी चलाने में मुश्किलें सामने आ रही हैं, लेकिन सभी मुश्किलों को पार करते हुए फिर भी सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए चकराता पहुँच रहे हैं। भारत की सबसे खूबसूरत जगह औली बर्फबारी के बाद अब औली पूरी तरीके से पर्यटन से गुलजार हो गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद औली किसी जन्नत से कम नजर नहीं आ रहा है, जहां चारों तरफ बर्फ के सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, तो उस जिसमें पर्यटक खूब जमकर मस्ती करते हुए भी देखे जा सकते हैं। औली में सैकड़ों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए पर्यटक मौजूद हैं। वहीं पर्यटक पहुंचने से स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।